पूरी स्क्वाड वाइपआउट हो सकती है। यहाँ पे स्नाइप्स ने उनको काफी क्लोज से घेर लिया है, स्नाइप्स ने नेट से जरफ को नॉक किया एक ही घर में। बहुत ही इन्होंने अपने लिए टफ सिचुएशन क्रिएट किया। स्नाइप यहाँ पे घुसते हुए एंड डैगर टॉप से नॉक होते हुए एंड दैट्स गोना बी जीजी फॉर टीम सोल। वाइपर वहाँ पे नॉक करने की कोशिश बट नोप, यहाँ पे टीम सोल को क्रॉलर्स कंप्लीटली घुस के फिनिश ऑफ करते हुए एंड दैट्स 4-9 किल्स फॉर क्रॉलर्स। क्रॉलर्स यहाँ पे बहुत ही प्यारा टीम बन के उभर रही है, मैं इनको 3-4 दिन से कसम से देख रहा हूँ। जिस तरह से इन लोग खेल रहे हैं 9 किल्स ऑलरेडी अपने टीम के निकाल चुके हैं एंड दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। यहाँ पे जोन कंप्लीटली आरआईपी को अभी फिलहाल में फेवर करते हुए बट येस अ लॉट ऑफ टीम्स विद इन द जोन ऑलरेडी। अक्षु का बहुत ही प्यारा स्नाइप शॉट टेकिंग आउट आरआईपी टेम्पेस्ट, या हाइड्रा के एक बंदे को फिनिश ऑफ कर दिया। अब हमें देखना है कि क्या टीएक्स और एडवांस पोजीशन लेगी। यस ओवेज कमिंग अप विद द पुश, टीम एक्स पार्क यहां पे अपने लिए एक किल निकाल चुकी है। इनको यहां पे थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा टीएक्स के। ओवेज अक्षु ने वहां पे सीरीपी को भी नॉक किया। अक्षु कमिंग अप विद सम ग्रेट स्नाइप शॉट्स। मैं पूछ देखना चाहूंगा ओवेज यहां पे लीडिंग द चार्ज, हैरी और सरजी दो प्लेयर्स है, सरजी शायद स्पॉट हो सकता है, मैं उनके पीओवी में जाऊंगा। क्या उनको पता है कि उनके पीछे से ओवेज क्लोजिंग कर रहे हैं? यहाँ पे ड्रोन व्यू बहुत काम आएगा हमारे लिए एंड हैरी और सरजी को शायद आइडिया ही नहीं है कि उनके पीछे ओवेज है। सरजी का पीओवी देखते हैं, यहाँ पे क्लोजिंग करना चाह रहा है एंड इनको थोड़ा सा डिफिकल्टी रह सकता है यहाँ पे क्योंकि टीएक्स की पूरी टीम फ्रंट स्पॉट पे आ चुकी है एंड अब जो हैरी है वो जोन के अंदर आना चाह रहा है। आप देख सकते हो इंडियो ड्रीम ने राइट से गाड़ी निकाल के जोन के अंदर जाने का प्रयास शुरू कर दिया। हैरी वहाँ पे काफ़ी ओपन में एक्सपोज है, ओवेस अगर चाहे तो हैरी को स्पॉट कर सकते हैं एंड फिनिश ऑफ भी कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहना होगा ओवेस को, पर वहाँ पे टेड ने ड्रीम्स को पकड़ लिया ऑफ गार्ड क्योंकि टेड वहाँ पे इनियोर ड्रीम्स अकेले जा रहा था एंड वहाँ पे अभी को फिनिश करेगा। ब्रॉड फ्रॉस्ट ने लेकिन क्रिल चुराते हुए यहाँ पे हम लोग 9 लोग पे आ चुका। वहाँ पर लॉक करते हुए सी जी काफ़ी ऑफ गार्ड पकड़ा जा सकता है बट नो दे आर जस्ट ट्राइंग टू बी केयरफुल एंड यहाँ पे और भी क्या है, मजिक ने क्रॉल के सांगवान को लॉक किया जिस टीम की मैंने अभी बात की, अनफॉर्चुनेटली रोटेशन में मारे गए पर अभी भी 3 लोग अलाइव है। सीजी को अपने गाड़ी से निकलना होगा, उसकी गाड़ी की हेल्थ बहुत लो है वरना वो कार बस में मारा जा सकता है। सीजी यहाँ पे शेक के अंदर घुसने की कोशिश, यस आई गेस बच जाएगा। लेवल 3 का वेस्ट उसका काफी हद तक डैमेज हो चुका है। एश वहाँ पे अक्षु वहाँ पे नॉक होते हुए एंड यहाँ पे 8-bit ने एक बहुत ही रिस्की पुश लिया एंड यहाँ पे अक्षु फिनिश ऑफ होते हुए। आई थिंक इस फाइट में 2v3 की फाइट है। एश ने वहाँ पे नॉक कर दिया टेम्पेस्ट को, स्काई वहाँ पे आते हुए कवर फायर देने की कोशिश पर टेड वहाँ पे कवर फायर नहीं दे पाया। यहाँ पे एश फिनिश हो जाएगा एंड आई गेस उन लोग रिवाइव करने की कोशिश करेंगे। पीछे से आरआईपी के स्काई ने एश को फिनिश ऑफ किया। टेड को पीछे से क्रॉलर्स वाले प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। टेड के लिए यहाँ पे होल्ड करना बहुत ही डिफिकल्ट होगा। मल्टीपल स्नोक्स कमिंग इन, टेड पे बहुत सारे शॉट्स आ रहे हैं, टू डाउन टू टू मैन। क्रॉलर्स यहाँ पे पुश करने की कोशिश करेंगे, एट पे पीछे आ रहे हैं फुल स्क्वाड है। टेड यहाँ पे खुद को हील नहीं कर पा रहे एंड टेड यहाँ पे थोड़ा सा टेम्पेस्ट को डैमेज देते हुए टेड को अगर एक्सपेक्टेड करें अभी को रिवाइव करने की कोशिश चल रही है। अगर ये रिवाइव हो जाता है तो आई थिंक इट कुड बी अ गुड फाइट बट देन इफ नॉट इनको यहाँ पे केयरफुल रहना होगा। क्रॉलर्स की टीम पीछे से अगर कुछ नेट्स करे तो आई थिंक द एंटायर 8-bit टीम वुड बी वाइप्ड आउट एंड पीछे से ओआरबी के बंदे काफी ज्यादा शॉट्स लेते हुए ओआरबी अपने टीम के लिए एक किल निकाल चुकी है। आई मजी गया था ब्रॉलर से फिनिश ऑफ किया था। ओवेस यहाँ पे अपने ओवेस ऑफ तो अपने टीम के लिए बचते हुए इनको यहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहना होगा। जोन ने फिर से इनका इनको फेवर नहीं किया। वहाँ पे आ रहे थे स्काई ने अभी को नॉक किया एंड आई गेस यहाँ पे 8-bit की टीम 9वें नंबर पे कंप्लीटली वाइप आउट होते हुए एंड यहाँ पे आरआईपी बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन दिखाते हुए 3 men 11 किल्स। आई थिंक दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब एंड कैन वी हैव सम हैशटैग आरआईपी ओपी इन द चैट। गॉडल हैरी यहाँ पे नॉक करते हुए काफी ओपन में पकड़े गए थे। टीएक्स वहाँ पे ब्रॉलर्स अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं, 2 लोग 8 किल ऑलरेडी उठा चुके हैं। नोवर आइकॉनिक डाउन है पर यहाँ पे फ्रॉस्ट और डार्क अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग चलते हुए, पर जोन जिस तरह से ओआरबी को फेवर कर रही है आई थिंक ओआरबी हैज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू टेक दोस कंटेनर। पर यहाँ पे इनके पास बहुत प्यारा अपॉर्चुनिटी, आईएस अगर रैंडम स्प्रे भी करे तो पूरी ओआरबी की टीम बचे हैं एंड इनको यहाँ पे हल्का सा बच के खेलना होगा। टॉट की लाइनअप जो है टॉट की लाइनअप जोन के बाहर होल्ड करें, चारों लोग बचे हैं। यहाँ पे हाइड्रा का हैरी उन पर स्प्रे लेते हुए एंड जोन आ गया, ये जोन बहुत काटेगा, इनको यहाँ पे केयरफुल रहना होगा। क्रॉलर्स की टीम को जोन के अंदर जाना है। ओआरबी आई थिंक यहाँ पे कंप्लीटली डोमिनेट कर सकती है। अगर आप देखोगे तो ओआरबी के पास जो अपॉर्चुनिटी है वो मतलब आई थिंक जिस तरह से इन्होंने पोजीशन लिया था, जिस तरह से इनको जोन फेवर किया था आप देख सकते हो अब ओआर के लिए वो टीम से आना शुरू हो, किल्स आना शुरू हो रहे हैं। टीओडी की टीम पीछे से रश करने की कोशिश कर रही है पर जोन की मार से इनको बचना बहुत ही मुश्किल है। वहाँ पे ओआरबी अपने लिए किल्स भारी मात्रा में उठाते हुए एंड डूइंग अ ग्रेट जॉब। आई थिंक इनका और एक बार जोन इन पे बनते हुए एंड आई थिंक ओआरबी यहाँ पे कंप्लीटली सारी टीम को डेसिमेट कर देगी। यहाँ पे टीएक्स से परितोष और ओवेश का पुश आते हुए, क्या परितोष और ओवेश यहाँ पे अपनी टीम को टॉप 4 पे ले जा चुके हैं एंड यहाँ इसके लेफ्ट में मजिक है। अब क्या होगा, क्या मजिक इसको पीछे से स्पॉट करेगा? यस एंड मजिक हैड टू गो फॉर दैट शॉट्स एंड यहाँ पे उसने साइज को नॉक किया। क्रॉल का प्रो के लिए बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन, मजिक अपने टीम के लिए 2 किल्स और निकालते हुए एंड वी हैव टीएक्स रशिंग एंड मूविंग इनटू द टॉप 3। किल्स ज्यादा नहीं ले पाए
पर काफी बेहतरीन जोन का इन्होंने यूज किया। यहां से अगर ओवेस और परितोष चिकंडिया निकालते हैं तो मानू कि भाई क्या खेल है। ऑल्दो काफी अच्छा खेला है, टू मैन में टॉप थ्री आना बहुत बड़ी बात है, बट देन स्टिल अगर चिकंडिया निकाल दे बिकॉज दे आर वेरी क्लोज एंड वी नो दे कैन डू इट। एंड यहाँ पे ओआरबी की टीम को थोड़ा क्वेश्चन, मैडॉक की डिग्निटी को नॉक किया, इट्स अ 2v2 सिचुएशन एंड पीछे 2v2 एज वेल। यहाँ पे आई थिंक डीएस इज गोइंग फॉर दैट चिकन डिनर। यहाँ पे परितोष वहाँ पे टॉट के टेकमैन और जेसन ओपी पे शॉट लेने की कोशिश। जोन दोनों टीएक्स और ओआरबी पे है, टॉट की टीम को जोन के अंदर आना, अर्ली मॉली जिससे कुछ हुआ नहीं। एंड पीछे आप देख सकते हो टीएक्स ने परितोष ने नॉक किया टीओडी के टेकमैन को, टेकमैन ने मैक्सकाश को मॉली किया। एंड यहाँ पे वी आर डाउन टू लास्ट 5 मैन 3 टीम्स, परितोष को जोन के अंदर जाना है, काफी ज्यादा डैमेज ले रहा है। एंड यहाँ पे आई गेस टीएक्स इज गोइंग फॉर द चिकन डिनर, ओआरबी का एक बंदा बचा, 2v1v1 का सिचुएशन है बिकॉज एक बंदा ओआरबी का नॉक था। ओवेस यहाँ पे मैक्सकाश को नॉक करते हुए, जेसन ओपी वहाँ पे अकेले अपने टीम के लिए होल्ड करते हुए। एंड आई गेस यहाँ पे ओआरबी के लिए बहुत ही डिफिकल्ट होना है ये चिकन डिनर निकालना बिकॉज उन लोग जिस स्पॉट से ये गेम हारे हैं, आई थिंक नो टीम शुड डू दैट। एंड द एंटायर टीम टीएक्स रशिंग इन ऑन ओआरबी, आईएस ओवेस एंट्री फ्रेगर यहाँ पे अपने टीम के लिए। एंड यहाँ पे ओवेस घुसते हुए ओवेस से कवर, एंड यहाँ पे बहुत ही प्यारा क्लच करने का अपॉर्चुनिटी था, पर यहाँ पे टीएक्स 1v1 का सिचुएशन है, इट्स परितोष वर्सेस जेसन ओपी यहाँ पे रश करते हुए। एंड आई थिंक परितोष के अगेंस्ट आप ऐसा रश नहीं करना चाहोगे क्योंकि उसको पूरा पता है उसका स्पॉट पर, जेसन वहां पे पीछे की तरफ भाग गया। नाउ यहाँ पे परितोष ऊपर जाते हुए लेज ग्रैब करने की कोशिश करता जो अभी तक आया नहीं है बट कर पाता। एंड यहाँ पे परितोष ने अपने लिए एक एडवांटेज स्पॉट बना लिया, बहुत ही प्यार रोटेशन दिखाया, ओवेस को फिनिश ऑफ किया 1v1 टीएक्स वर्सेस टॉड। चैट में बताइए कौन जीतेगा, इट्स गोना बी टीएक्स वर्सेस टॉड। एंड यहाँ पे परितोष वर्सेस जिनिटी है कि वो जेसन को कंप्लीटली फिनिश ऑफ कर सकता है, बट आई गेस दे आर आउट ऑफ नीड्स। वी हैव 12,300 वॉचिंग, फटाफट आप सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दो, आई थिंक वी शुड ट्राई फॉर 1,65,000 सब्सक्राइबर्स राइट अवे, वेयर एट 161 गाइस, 4,000-5,000 लोग तो सब्सक्राइब बटन दबाने में क्या ही जाते हैं, है ना जनता। ओके गाइस, सो वी आर डाउन टू 1v1 एंड इट्स जेसन ओपी वर्सेस टीएक्स परितोष वापस लेने की कोशिश, जेसन ओपी को थोड़ा और डैमेज दिया, जेसन ओपी के पीओवी में चलते हैं। एंड वहां पे जेसन ओपी अपने लिए हील करते हुए, दिस गिव्स परितोष द चांस टू पुश इन, एंड वहां पे पुश करने की कोशिश, एंड टीएक्स कमिंग अप विद अ अमेजिंग चिकन डिनर गाइस, बहुत ही प्यारा चिकन डिनर कमिंग अप विद 8 किल्स, चिकन डिनर अपने टीम के लिए लेते हुए।